गाइस आज की वीडियो में आपका भाई सिखाने वाला है यार आप लोगों को कुछ इस टाइप का स्मोकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो एडिटिंग। सो गाइस यहां देख सकते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट है कितना ऑसम तरीके से एडिट हुआ है। तो देन गाइस अगर आप लोगों को भी कुछ इस टाइप का एडिटिंग सीखना है तो देन गाइस वीडियो को फुल यूज करना तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो देन गाइस जो हमारा वीडियो है जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस जो हमारा फोटो रूम है देन इसको ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को स्टार्ट फ्रॉम फोटो पे देन क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो गाइस जो भी अपना मॉडल को आप लोग एडिट करना चाहते हो उस वाले पिक को आप लोगों को यहाँ लेआउट कर लेना है। तो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो जो मेरा मॉडल का फेस है मैंने उसको पहले से स्मूथ करके रखा हुआ है यार। तो देन अगर आप लोगों को स्मूथ करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो गाइस उस वीडियो का लिंक आप लोगों को आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर देखकर सीख सकते हो। तो देख सकते हो देन गाइस उसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड है ऑटोमेटिक ही रिमूव हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को कोई भी अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हम लोग अपना ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला सेलेक्ट कर लेने के बाद देन गाइस आप लोगों के पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ बैकग्राउंड पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देन यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन हो गया है ब्लर का, ठीक है, उसको ऑन कर लेना है। और यहाँ बीच वाले पे आप लोगों को देख सकते हो ये वाला ऑप्शन, देन उस पर क्लिक करके यहाँ जो आप लोगों का ब्लर का स्ट्रेंथ है गाइस उसको आप लोगों को यहाँ से कर लेना है फुल। फाइनली देख सकते हो जो आप लोगों का बैकग्राउंड है उसके बाद कितना ऑसम तरीके से यहाँ ब्लर हो जाएगा। देन उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, इसको यहाँ से आप लोगों को कर लेना है सेव। सेव कर लेने के बाद देन गाइस इस पिक को लेकर जाना है हम लोगों को अपना लाइट रूम के अंदर। सो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल है देन इसको हमने अपने लाइट रूम के अंदर ऐड कर लिया है यार। ऐड कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देन आप लोगों को भाई एक प्रीसेट दे देगा, जस्ट उस प्रीसेट का आप लोगों को यूज़ करना है। तो इस प्रीसेट का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, इसको यूज़ करना आप लोगों को आता ही होगा। नहीं आता तो देन जाना है थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे जाने के बाद देन गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो जाएगा आप लोगों को कॉपी सेटिंग का, देन उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन ऊपर पे आप लोगों को राइट का आइकन होगा उस पर राइट कर लेना। देन आना है बैक जो अपना मॉडल है गाइस उसको कर लेना है फाइनली ओपन। ओपन कर लेने के बाद देन जाना है फिर से थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे जाने के बाद देन आफ्टर ऑल आप लोगों को यहाँ पेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। आफ्टर ऑल आप लोगों का जो पिक है एक क्लिक में यहाँ देख सकते हो कलर ग्रेडिंग हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है आप लोगों को यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन पे देन जाके गाइस इस फोटो को सेव टू डिवाइस कर लेना है। सेव कर लेने के बाद देन गाइस इस फोटो को लेके जाना है हम लोग को अपना पिक्सार्ट के अंदर। देन फाइनली करेंगे हम लोग जो अपना पिक है उसको एडिट। सो गाइस यहाँ देख सकते हो यार जो हमारा मॉडल है देन उसको हमने पिक्सार्ट के अंदर ऐड कर लिया है। तो देन गाइस ऐड कर लेने के बाद सबसे पहले जो आप लोगों का पिक है देन उसका रिसर्च कर लेना। अगर आप लोग रिसर्च नहीं करोगे देन आप लोग फोटो को सेव करोगे तो देन गाइस आप लोगों का जो मॉडल की क्वालिटी है वो लॉस हो जाएगा। तो देन रिसर्च करने के लिए आप लोगों को जाना होगा गाइस फाइनली हमें टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद देन यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन हो जाएगा रिसर्च का, देन उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जो अमाउंट होगा इसको आप लोगों को कट करके यहाँ टाइप कर लेना है 6000। देन रिसर्च पे क्लिक कर लेना है, जो भी अमाउंट हो जाएगा उसको आप लोगों को यहाँ टाइप करके रिसर्च पे क्लिक कर लेना है फाइनली कुछ इस टाइप से, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ थोड़ा सा स्वाइप कर लेना है गाइस। स्वाइप कर लेने के बाद देन जाना है यहाँ पे हम लोगों को अपना ऐड फोटो पे जो हमारे PNG हैं देन गाइस उसको करते हैं ऐड। तो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो हमने अपना दोनों PNG को ऐड कर लिया। ऐड कर लेने के बाद देन गाइस जो हमारे ये वाला स्मोकिंग का टेक्स्ट PNG है उसको हम लोगों को खूब ऊपर पे कुछ स्टेप से रोटेट करके फाइनली लगा लेना है। तो फाइनली गाइस जो हमारा सिगरेट का PNG है देन उसको हम लोगों को यहाँ जो अपना मॉडल है उसको जूम करके यहाँ जो सिगरेट का PNG है देन गाइस उसको हम लोगों को कुछ स्टेप से एडजस्ट करके लगा लेना है, ठीक है। यहाँ जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और यार इसको हम लोग और इसको फाइनली अच्छे से यहाँ एडजस्ट करके लगा लेंगे। आफ्टर ऑल उसके बाद जो आप लोगों का पिक है कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा गाइस। उसके बाद देन क्या करना है आप लोगों को फिर से जाना होगा यार एड फोटो पे, जो हमारा एक और PNG देन गाइस फाइनली उसको हम लोग कर लेंगे यहाँ ऐड। तो इसको ऐड कर लेने के बाद देन गाइस हम लोग इसका फ्लिप दर रोटेट करेंगे, ठीक है। रोटेट करने के लिए यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन होगा फ्लिप रोटेट का, देन उस पर क्लिक करके आप लोगों को कुछ इस टाइप से रोटेट कर लेना है। देन थोड़ा सा स्वाइप कर लेना है। स्वाइप कर लेने के बाद यहाँ आप लोगों को ब्लाइंड का ऑप्शन होगा, देन उस पर क्लिक करके इसको कर लेना है स्क्रीन और मॉडल को करना है जूम। अब फाइनली आप लोगों को कुछ इस टाइप से इसको अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है कुछ इस टाइप से। तो फाइनली हम देख सकते हो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कितना ऑसम तरीके से लग रहा है अब। देन उसके बाद यहाँ से हम लोग कर लेंगे इसको राइट, ठीक है। राइट करने लेने के बाद देन गाइस फाइनली फिर से जाना है हम लोग को अपना एड फोटो पे, जो हमारे यहाँ फायर का PNG है उनको करेंगे। तो देख सकते हो गाइस मैंने अपने 3 फायर का PNG ऐड किया हुआ है। तो गाइस में जितने भी PNG एंड मटेरियल होंगे यार उन सब का आप लोग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो हमारे ये वाला PNG है देन गाइस इसको हम लोग पहले जो हमारा मॉडल का हैंड है उस पर कुछ इस टाइप से छोटा कर लेंगे और अच्छे से एडजस्ट करके फाइनली लगा लेंगे। साइज का थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे यार हम लोग कुछ इस टाइप से, ठीक है। और फाइनली हम लोग इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करके लगा लेंगे। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ सीधा चले जाना है गाइस आप लोगों को इरेजर टूल पे, ठीक है। इरेजर टूल पे आ जाने के बाद देन यहाँ आप लोगों को साइड को कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है। देन कर लेना है राइट।
देन ये वाला पीएनजी, देन गाइस इस पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। उसके बाद देन थोड़ा सा सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद देन यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ब्लेंड का, देन उस पर क्लिक करके इसको कर लेना है। स्क्रीन साइज को करना है गाइस आप लोगों को कुछ इस टाइप से इंक्रीज, यहाँ देख सकते हो। उसके बाद यहाँ आप लोगों को कॉर्नर पे इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके फाइनली लगा लेना है। लगा लेने के बाद देन गाइस जो आप लोगों का ये वाला पीएनजी है देन उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को फिर से सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन होगा ब्लेंड का, देन फिर से क्लिक कर लेना है, फिर से कर लेना है स्क्रीन, ठीक है। अब जो हमारे ये वाला पीएनजी है देन गाइस इसको हम लोगों को हैंड पे अच्छे से एडजस्ट करके लगाना है, ठीक है। कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके लगा लेंगे। लगा लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोग को ये वाला ऑप्शन होगा, देन इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ से आप लोगों को मूव अप पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, ताकि ये जो ऊपर आ जाए फाइनली कुछ इस टाइप से। आफ्टर ऑल उसके बाद देख सकते हो गाइस जो हमारा कॉन्सेप्ट है कितना औसम तरीके से लग रहा है। देन उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको कर लेंगे राइट पे क्लिक। देन ओके गाइस राइट पे क्लिक कर लेने के बाद देन चाहता तो आप लोग यहाँ अपना जो बैकग्राउंड उसको और कलर चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को जाना होगा इफेक्ट टूल पर। देन ओके गाइस इफेक्ट टूल पर जाने के बाद देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ देख सकते हो कलर रिप्लेस का, देन उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद जो आप लोगों का बैकग्राउंड उस पर कुछ इस टाइप से छोड़ लेना है। और यहाँ देख सकते हो आप लोगों को रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का बैकग्राउंड कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएंगे फाइनली, यहाँ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ मिनी ह्यू को आप लोगों को कुछ इस टाइप से फुल कर लेना है, ठीक है। फुल कर लेने के बाद यहाँ आप लोगों को मैक्स ह्यू है उसको आप लोगों को यहाँ फुल कर लेना है, ठीक है। फुल कर लेने के बाद फाइनली गाइस यहाँ पे आप लोगों को ये वाला ऑप्शन होगा, देख सकते हो इरेजर का, देन उस पर क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा सेव कर लेना है, यहाँ देख सकते हो जो आप लोगों का ये वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा सेव करना है। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेना है। फाइनली आप लोगों का देख सकते हो जो कॉन्सेप्ट है कितना औसम तरीके से जो आप लोगों का बैकग्राउंड हो वो चेंज हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ से आप लोगों को इसको कर लेना है राइट, देन ओके गाइस। और उसके बाद यहाँ आप लोग चाहे तो अपना जो कलर है उसको आप लोग को फाइनली कुछ इस टाइप से चेंज कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि उसका बैकग्राउंड कितना औसम तरीके से यहाँ चेंज हो रहा है। सो गाइस अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो यार प्लीज़ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना। सो गाइस मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।